हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जोशी, आप देख रहे हैं श्रीमान टेक। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले डेट की अनाउंसमेंट की थी और वो 7 तारीख से शुरू होने वाला था। साथ ही साथ में 2-3 दिन के बाद अमेजोन ने भी अपने डेट की अनाउंसमेंट कर दी और वो 4 तारीख से शुरू होने वाला था। मगर जब फ्लिपकार्ट वालों ने अमेजोन की डेट को देखा तब उन्होंने अपनी डेट को आगे शिफ्ट कर लिया, यानी कि 3 अक्टूबर को कर दिया है। और साथ ही साथ में अमेजोन ने भी अपना एक दिन आगे कर दिया, यानी कि उसने भी 3 अक्टूबर को सेल की डेट रिलीज कर दी। तो दोस्तों यहां पे दोनों सेल की डेट रिलीज हो चुके हैं और दोनों 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और यहां पे दोनों महासंग्राम में से फ्लिपकार्ट वालों ने बाजी मार ली है। दोस्तों यहां पे अमेज़न से आगे निकलने में फ्लिपकार्ट वालों ने कर्टन रेजर डील यहां पे लॉन्च कर दी है। यहां पे 29 तारीख से 1 अक्टूबर को ये डील चलेगी। ये डील क्या है? तो दोस्तों यहां पे आप अपना कोई सा भी मोबाइल उसी सेल पे जो परचेस करना चाहते हो उसी डिस्काउंट पे आपको अभी मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे कौन-कौन से डील आने वाले हैं और कौन से अच्छे डील है और क्या आप डील लगाओगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर दोस्तों ये वीडियो आप पूरा जरूर से देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और यूजफुल कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था वैसे यहाँ पे 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये सेल चलने वाला है और यहाँ पे आप मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड लगाओगे तो थोड़ा सा कम डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे हम स्मार्टफोन पे अच्छी अच्छी डील को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आईफोन SE के बारे में जानते हैं तो 24,499 में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप अगर 10% और लगा दो तो आपको उससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। वैसे ये 30,000 या 35,000 के बीच में मिल जाता है। और उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे पोको X3 प्रो मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक बढ़िया चीज़ है, मैंने अपनी पहली भी वीडियो में ये बात कही थी। तो दोस्तों एक बार और मैं कहता हूँ, ये 15,000 में आपको कार्ड लगाने के बाद आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी डील है। यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले आ जाती है, बड़ी बैटरी मिल जाती है, UFS 3.1 मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 860 मिल जाता है और साथ ही साथ में स्टीरियो स्पीकर भी मिलता है, 64 का क्वाड कैमरा मिल जाता है, उसमें सोनी IMX का भी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल आप देखोगे तो पोको X3 प्रो बहुत ही बढ़िया है 15,000 के करीब। तो दोस्तों यहाँ पे Realme 8i अभी ही लॉन्च हुआ है और 12,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, मगर सारे डिस्काउंट लगा के आप 10,700 रुपये या 800 रुपये में आप इसे ले पाओगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे Infinix के भी बहुत सारे स्मार्टफोन है जिसमें बहुत ही भारी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका बजट 20,000 से थोड़ा ऊपर है तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे पोको F3 GT के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ी हाईलाइट देख लेते हैं, फिर इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिख जाता है Dimensity का 1200 प्रोसेसर जो 5G है और बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, खास करके जब आप गेमिंग खेलते हो अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस प्राइस रेंज में अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों साथ ही साथ में ये सारी डील चीज़ आप मिला लो तो आपको 25,499 में आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा 10,000 से कम है तो यहाँ पे आपके लिए पोको C3 बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको फोन 8,299 में रेगुलर प्राइस पे मिलता है, मगर डील में आपको 6,299 में आपको मिल जाएगा। ये भी एक बढ़िया ऑफर है जिसका फायदा आप ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सैमसंग का F12 भी मिल जाता है, वो 9,499 में मिल जाता है। और दूसरी बात करो तो सैमसंग गैलेक्सी F64, ये 4G प्रोसेसर वाला फ़ोन है, 20,000 के नीचे आ जाता है, मगर एक्सिनोस का जो अपर वेरिएंट होता है उसमें ये प्रोसेसर मिल जाता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा प्राइस कट हुआ है तो आप इसे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अभी अभी लॉन्च हुआ है Realme 8S 5G, उसका भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए, मैं आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी प्राइस पे हमको मिल जाता है। यहाँ पे Realme 8S 5G 18,000 के प्राइस में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे की स्पेसिफिक बात करें तो डायमेंसिटी मीडिया टेक का हमको 810 प्रोसेसर 5G दिया गया है और साथ ही साथ में हमको 5000mAh बैटरी मिल जाती है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों हमको एक अच्छी डील मिलती है। और दोस्तों मैं आपको
अगर आपका बजट 20,000 से करीब है तो दोस्तों मैं आपको एक फोन सजेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे Realme GT Master Edition 5G वाला, यहाँ पे 25,999 अभी की प्राइस है और हमको यहाँ पे 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों ये 5,000 का आप डिस्काउंट कैसे ले पाओगे? अगर मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई एक्सचेंज करना चाहते हो, अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करना चाहते हो, अगर मेरे फ़ोन का एक्सचेंज वैल्यू 5,000 आता है तो उसका मुझे 10,000 एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपका 2,000 आता है तो आपको 7,000 एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप ये डील क्रैक कर सकते हो, आपको 5,000 से ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन आते हैं और यहाँ पे एक क्रेजी फ़ोन मैं आपको बताता हूँ, तो iPhone 12 यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिलने वाला है। साथ ही साथ में आप एक iPhone लवर हो या आप iPhone की तरफ जाना चाहते हो, कोई एक नया परचेस करना चाहते हो iPhone फ़ोन, तो दोस्तों ये आपके लिए बढ़िया टाइम है। तो यहाँ पे दोस्तों iPhone 12 हमको 87,000 में लॉन्च हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस कट होने वाली है। क्यों कट होने वाली है? क्योंकि iPhone 30 लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों iPhone का एक अगला वर्जन लॉन्च होता है तब पिछले वर्जन का थोड़ा प्राइस कट होता है। तो दोस्तों अभी आपको ये प्राइस कट करके हमको 60,000 के करीब मिलने वाला है, तो दोस्तों इसके तरफ जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे iPhone 12 mini भी आपको एक अच्छे प्राइस पे मिलने वाला है और iPhone SE के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप एक 10,000 के करीब फ़ोन ढूंढ रहे हो तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे पोको M3 4GB 64GB बढ़िया रहेगा। यहाँ पे 9,499 उसकी प्राइस है, ओवरऑल हमको रेगुलर प्राइस हमको 12,000 देखने को मिल जाती है, मगर सेल प्राइस हमको थोड़ी सी कम मिल जाती है और उसके बाद आप एक कार्ड लगा देते हो तो उससे ज़्यादा कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये 10,000 के नीचे ये बढ़िया डील रहने वाली है आप सभी को लिए। और उसके अलावा यहाँ पे ओप्पो वीवो के बहुत सारे फ़ोन हैं जिसमें प्राइस कट है और उसके बाद यहाँ पे डील पे आप 10% आप क्रेडिट कार्ड के लगा दोगे तो और भी कम होने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस डील के रिगार्डिंग आपके मन में कोई सा भी क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना और साथ ही साथ में आप इस सीज़न में कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।